Hello friends, my name is Shahnawaz Siddiqui. I'm from Zwiss Foreign Language Institute. Aapka mentor, aapka guide, motivational speaker, life coach aur in sab se badhkar aap sabhi ka dost. Hazir ek baar fir se ek naye video ke saath. Dosto, aaj ka apna video bahut hi interesting hone wala hai kyunki aaj ka jo hum logon ne theme choose kiya hai, wo hamara theme bahut interesting hai. Aaj hum log dictionary ke sare negative shade ke words padhenge, negative character padhenge. Aaj hum log bad characters ke bare mein padhenge. तो अभी कई सारे पार्ट्स में आप लोगों को ये वीडियो मिलेंगे क्योंकि लिस्टिंग बहुत ही लंबी है तो मैं चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए इसके लिए मैंने इन वीडियोस को शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट कर दिया है तो आज हम लोग सबसे पहला पार्ट देखने जा रहे हैं और कुछ नए और अच्छे वर्ड्स को हम लोग सीखेंगे आप में से जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बहुत ही सीरियस नोट पे इस लिस्ट को नोट करेंगे और सारे वर्ड्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वर्ड आप लोगों के लिए That is called accomplice. The first word is accomplice. दोस्तों accomplice का मतलब होता है short में हम लोग इसे बोलते हैं crime partner. मतलब वो person जो किसी भी crime में किसी भी गलत काम में आपका साथ देता है ऐसे person को हम लोग क्या बोलते हैं accomplice. तो person who supports you or who helps you in committing crime, in committing theft, in committing murder, in committing wrong deeds, then he is called accomplice. तो गलत काम में आपका साथ देने वाला गलत काम में आपका सपोर्ट करने वाला पर्सन एकॉम्प्लिस कहलाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्राइम पार्टनर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूज्ड एक्यूज्ड कौन होता है इसे हम लोग कहते हैं दोषी वो पर्सन जिसके ऊपर दोष लगाया गया है इसे हिंदी में अभियुक्त भी कहा जाता है तो अ पर्सन हु इज बीइंग चार्ज्ड अ पर्सन हु इज बीइंग ब्लेम्ड इज कॉल्ड एक्यूज्ड तो वो पर्सन जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है जिसे हम लोग मुलजिम भी कहते हैं तो इसे हिंदी में अभियुक्त कहा जाता है कुछ लोग इसी को मुलजिम कहते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा पर्सन जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं एक्यूज्ड तो इसे हम लोग बोलते हैं दोषी नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड इज एब्सटेनर देखिए ABSTAINER एब्सटेनर दोस्तों एब्सटेनर कौन होता है ये वो पर्सन है जो वोट देने नहीं जाता जो वोट डालने नहीं जाता ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं एब्सटेनर आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने घरों से निकलते ही नहीं वोट देने के लिए जबकि वोटिंग हमारा अधिकार है हमारा राइट है हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमें इसका यूज करना चाहिए लेकिन कुछ लोग वोट देने नहीं जाते वोट से एब्सटेन करते हैं वोट देने से बचते हैं ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं एब्सटेनर तो आपके एग्जाम में लाइन लिख के आएगी अ पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग आप बोलेंगे एब्सटेनर तो वो पर्सन जो वोटिंग से एब्सटेन करता है वोटिंग करने से बचता है वोट करने नहीं जाता ऐसे पर्सन को हम लोग एब्सटेनर कहते हैं एब्सटेनर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है एग्रेसर फिर से सुनिए एग्रेसर आपको पता चल रहा होगा कि एग्रेसर वर्ड एग्रेसिव की ही फैमिली का नाउन वर्ड है एग्रेसर वो पर्सन वो व्यक्ति जो लड़ाई में पहल करता है तो लड़ाई में पहल करने वाला पर्सन लड़ाई में पहल करने वाला व्यक्ति कौन होता है एग्रेसर तो जब दो लोगों की लड़ाई होती है तो दो लोगों की लड़ाई में जो पर्सन पहल करता है ही इज कॉल्ड एग्रेसर अच्छा ये वर्ड किसी कंट्री या देश के लिए भी यूज किया जाता है मतलब लड़ाई में पहल करने वाला देश लड़ाई में पहल करने वाला कंट्री उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं एग्रेसर बोलते हैं तो ये कंट्री के लिए या पर्सन के लिए हम दोनों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो एग्रेसर कोई भी ऐसा देश जो लड़ाई में पहल करे या कोई भी ऐसा व्यक्ति पर्सन जो लड़ाई में पहल करे उसे हम लोग कहते हैं एग्रेसर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है एग्नोस्टिक दिस वर्ड इज एग्नोस्टिक अभी एग्नोस्टिक कौन होता है वो व्यक्ति वो पर्सन जिसे भगवान के गॉड के होने में संदेह हो वो पर्सन जो डाउट करे कि पता नहीं भगवान है या नहीं है कभी उसको लगता है गॉड है कभी लगता है गॉड नहीं है इसे हिंदी में कहा जाता है संशयवादी तो वो पर्सन जिसके मन में भगवान के एग्जिस्टेंस को लेकर भगवान के अस्तित्व को लेकर एक संशय होता है तो एग्जाम में एक लाइन लिख के आएगी अ पर्सन हु इज डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड अब तुरंत समझ जाएंगे एग्नोस्टिक तो वो पर्सन जो भगवान के होने में संशय करता है डाउट करता है ऐसे पर्सन को हम लोग संशयवादी या एग्नोस्टिक बोलते हैं तो एग्नोस्टिक का मतलब हो गया संशयवादी नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है अलार्मिस्ट नेक्स्ट वर्ड इज अलार्मिस्ट जैसे कि आपको अलार्म से ही पता चल रहा है अलार्मिस्ट
अलाम की फैमिली का नाउन है, तो लोगों को डराने वाला, भय फैलाने वाला, इसे हम लोग कहते हैं भय प्रसारक। तो वो पर्सन जो जो फियर को स्प्रेड करता है, वो पर्सन जो लोगों को डराता है, जो भय को फैलाता है, जो डर को फैलाता है, ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं अलार्मिस्ट। तो शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हैं, भय प्रसारक। तो पर्सन हु स्प्रेड्स फियर, अ पर्सन हु स्प्रेड्स फियर इज कॉल्ड अलार्मिस्ट। तो लोगों को डराने वाला, भय फैलाने वाला, भय प्रसारक, इसे हम लोग बोलते हैं अलार्मिस्ट। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक वर्ड यूज किया जाता है शराब खोर के लिए। शराब खोर, वो पर्सन जो शराब बहुत पीता है, एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करता है, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक बोलते हैं। तो इसे कहा जाता है शराबी, इसे कहा जाता है पियक्कड़, या इसे हम लोग बोलते हैं शराब खोर, दैट इज कॉल्ड अल्कोहलिक। दोस्तों आपको याद होगा मैंने बी अल्फाबेट से आप लोगों को एक वर्ड पढ़ाया बूजर, तो बूजर का मतलब भी होता है शराबो पर्सन, जो बहुत जम के शराब पीता है, ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं बूजर। तो अल्कोहलिक, शराबखोर, और बूजर का मतलब भी होता है शराबी या शराबखोर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट वर्ड इज एनार्चिस्ट। तो इसको जरा ध्यान से देखिए, ए आर्क और आई एस टी। ए एक प्रिफिक्स है जिसका मतलब होता है नॉट, आर्क एक रूट है जिसका मतलब होता है लॉ या रूल, लॉ या रूल, और आई एस टी का मतलब होता है पर्सन। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन जो लॉ को नहीं मानता, वो पर्सन जो किसी कानून को नहीं मानता, ऐसे पर्सन को हम लोग एनार्चिस्ट बोलते हैं। तो कानून को ना मानने वाला पर्सन इज कॉल्ड एनार्चिस्ट। इसी को हिंदी में अराजकतावादी कहा जाता है। तो वो पर्सन जो अराजकता फैलाता है, जो समाज में डिस्टर्बेंस फैलाता है, उसे हम लोग बोलते हैं एनार्चिस्ट। द पर्सन हु स्प्रेड्स एनार्ची इन द सोसाइटी इज कॉल्ड एनार्चिस्ट। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अराजकतावादी। तो एकदम क्लियर आपको दिख रहा है, ए इज कॉल्ड नॉट, आर इज कॉल्ड लॉ, और आई एस टी का मतलब हो गया पर्सन। तो वो पर्सन जो लॉ को नहीं मानता, हम ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को एनार्चिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आर्सनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज आर्सनिस्ट। आर्सनिस्ट कौन होता है, आई एस टी आ गया, आप समझ गए कि यह वर्ड नाउन है, और दूसरा आपको समझ में आ गया कि यह कोई पर्सन है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आईएसटी आता है तो हमें दो हिंट मिलती है। सबसे पहला हिंट कि वो पर्सन है, कोई नाउन है। तो आर्सनिस्ट वो पर्सन जो आग लगाता है, आगजनी करता है, उसे हम लोग बोलते हैं आर्सनिस्ट। तो वो पर्सन जो आग लगाता है, ऐसे पर्सन को हम लोग कहते हैं आर्सनिस्ट। तो पर्सन हु सेट्स फायर इन अ बिल्डिंग डेलिबरेटली, वो पर्सन जो जानबूझकर किसी बिल्डिंग में या किसी प्लेस पर आग लगाता है, ऐसे पर्सन को हम लोग आर्सनिस्ट बोलते हैं। तो आर्सनिस्ट इज अ पर्सन हु सेट्स फायर इन अ बिल्डिंग डेलिबरेटली, इंटेंशनली, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्सनिस्ट। तो आग लगाने वाला, आगजनी करने वाला पर्सन इज कॉल्ड आर्सनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है एससिन। एससिन कौन होता है, यह होता है हत्यारा। एससिन होता है किलर, लेकिन यहां पर थोड़ा सा स्पेसिफाई किया गया इस वर्ड को, वो किलर, वो हत्यारा जो किसी सेलिब्रिटी की हत्या करता है, जो किसी फेमस पर्सनालिटी की हत्या करता है, जो किसी बिग पॉलिटिशियन की हत्या करता है, जो किसी बड़े बिजनेसमैन की हत्या करता है, ऐसे किलर को हम लोग बोलते हैं एससिन। तो एससिन हत्यारा, बट कौन हत्यारा, अ किलर हु किल्स अ सेलिब्रिटी, अ किलर हु किल्स अ फेमस पर्सन, अ किलर हु किल्स अ बिग बिजनेसमैन, अ किलर हु किल्स अ पॉलिटिशियन इज कॉल्ड एससिन। तो किसी फेमस पर्सनालिटी की हत्या करने वाले पर्सन को हम लोग बोलते हैं एससिन। तो दोस्तों आज आप लोगों ने बैड कैरेक्टर का ये पहला पार्ट देखा है, और बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों को आगे नेक्स्ट पार्ट में मिलते रहेंगे। वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो जाए, इसके लिए मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप में से जितने भी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बहुत सीरियस नोट पर नोट्स बनाएंगे, क्योंकि यही सारे वर्ड्स हैं जो सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड में आप लोगों को आपके एग्जाम्स में मिलते हैं। दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।